हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आद्या स्वागत करती हूँ किचन दुनिया में। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ वो है ब्रेड रोल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है प्याज, एक मीडियम मैंने लिया है, इसे बारीक काट लिया है। चाट मसाला पाउडर मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है 1/4 टेबल स्पून। ये है आमचूर पाउडर, ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून। ये है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। यह है अदरक बारीक कटी हुई, ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च। और ये है 1 टेबल स्पून धनिया। इसके अलावा मैंने 10 स्लाइस ब्रेड लिया है और 4 बॉइल्ड आलू मैंने लिए हैं। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बॉइल्ड आलू है इसे हम मैश कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अब हमने अपने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे और जो कटी हुई प्याज थी सबसे पहले हम वो डालेंगे। मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, कोरिएंडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और इसके अनुसार नमक डाल दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम आपको फिलिंग करके बताते हैं ब्रेड में कैसे करना है। अब हम ब्रेड रोल के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है ब्रेड। तो अब हम इस ब्रेड को इसके साइड्स को कट कर लेंगे। आप चाहे तो रख सकते हैं, ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। मैं इसके साइड्स को हटा रही हूं। इस तरीके से आपको अपने सारे ब्रेड्स जो है उसे कट कर लेने हैं। फिलिंग के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में पानी ले लेंगे जिसमें आपका ब्रेड अच्छे से डिप हो जाए। जैसे ये मैंने लिया है, अच्छे से नहीं, मैंने हमें इसे दोनों तरफ से डिप करना है इस तरीके से। और इसमें जो पानी है हमें उसे अच्छे से निकालना है। आप इसे अच्छे से दबा कर निकालें, जितना निकाल सकते हैं उतना अच्छा। अब इसके बाद जो मसाले तैयार किए हैं इसमें फिलिंग करेंगे और इसे अच्छे से हर तरफ से दबाकर ऐसे गोल बना लेंगे। क्योंकि ये गीली होती है तो ये अच्छे से बन जाती है, बंध जाएगी आपके हर तरफ से। ये देखिए, इस तरीके से हमें बनाना है। मैं एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसके सारे पानी को हमें निकाल लेना है, दबा दबा के जितना हम निकाल सकते हैं, जितना निकाल सकते हैं उतना निकालना है इस तरीके से। फिर हम इसमें आलू के मसाले डालेंगे।
कटोरी से हर तरीके से ऐसे इस तरीके से बना के रख देंगे। ये हमारा ब्रेड रोल, अभी मैंने इसको फिलिंग करके रख दिया है और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे या तो फैन के नीचे रख दें या फिर फ्रिज में रख दें ताकि इस ब्रेड के अंदर जो नमी है वो सब सूख जाए और हमारी जब हम इसे फ्राई करें तले तो ये बहुत ही अच्छी करारी बनकर निकले। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेड रोल क्रिस्पी और टेस्टी हो। तो अब हमने पैन में तेल लिया है और अब हम इसे गरम करेंगे और जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें ब्रेड रोल फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है और हम इसे मीडियम पे रखेंगे, बहुत तेज नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से पक जाएगा पर अंदर से नहीं पकेगा। इसीलिए हमें इसे मीडियम पे ही रखना है। मीडियम पे अच्छे से पकाएंगे। अब मैं इसमें से कुछ को निकाल रही हूँ क्योंकि इसका कलर अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकालेंगे। सब निकाल लिया और बाकी के पीसेस को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे एक तरफ से पक गया, अब इसे भी हम पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसे पकने में मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है और इसे पकने में कम से कम अगर दोनों साइड से आप पकाएंगे तो 10 मिनट के करीब लग जाते हैं, 8 से 10 मिनट लग ही जाएंगे। अब हमारा ये दोनों तरफ से पक गया और हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारी आखिरी है, अब इसे निकाल लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं। अब हमारा ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।